Student, today we see the most important topic in digital technique, that is NAND gate as a universal gate. So see NAND gate as a universal gate. Okay, this is a very, very important topic that will came in exam also. Exam point of view is important. See the first, that is NOT gate using NAND gate. Okay, in this firstly we write the NOT gate equation, that is Boolean equation, Y is equals to A bar. Okay, after that this A bar will be convert into NAND gate equation, that is in dot and bar form. Okay, so this A is means a जो a है इसको आपको convert करना है NAND gate के Boolean equation के form में. तो अभी ये जो a है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको ये formula पता है या फिर जो रूल्स थे अपने वो पता है एंड गेट के, क्या है ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए. ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए को हम लोग ए डॉट ए, ठीक है, बार जैसे कि वैसे ही मैंने लिख लिया है. ओके, उसके बाद में आपको पता है नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है, एक तो ए होता है या फिर बी होता है, वो दोनों सेम होते हैं. इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एक ए को बी लिख सकती हूँ. मीन्स क्या होता होगा, ए डॉट ए, ये जो ए है उसको मैं बी लिखूंगी, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ. बिकॉज क्यों लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए होता है, इनपुट सेम होता है, ठीक है. उसके बाद में अभी इक्वेशन क्या बनेगा फिर आपका, दैट इज योर फाइनल इक्वेशन. ये किसके फॉर्म में आया है आपके, दैट इज नैंड गेट के फॉर्म में. तो नॉट गेट का यूज करना है और आपको नैंड गेट का इक्वेशन लाना है, ठीक है. उसके बाद में इसको ही ड्रॉ कर लेना है. अभी ड्रॉ करते समय आपको पता है ए डॉट बी कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग गेट, दैट इज इट इज ए डॉट बी, दैट इज एंड गेट. यस, दो इनपुट हो गए. ओके, और बार है इसलिए हम आगे क्या लगाते हैं, बबल लगाते हैं, ठीक है. उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी ए और बी कैसे हैं, सेम है, तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहां से इनपुट निकाल देंगे. इनपुट मीन्स दैट इज अवर वाई, सॉरी, इनपुट मीन्स दैट इज अवर ए. ओके, एंड दिस इज अवर आउटपुट. ओके, दिस इज द नॉट यूजिंग नैंड गेट फिगर, नॉट यूजिंग नैंड गेट फिगर. ओके, आफ्टर दैट सी द सेकेंड वन, दैट इज एंड गेट using NAND gate. इसमें भी आपको सेम करना है. सबसे पहले किसका इक्वेशन लिखना है, कभी भी ध्यान में रखो, जो आगे है उसका पहले आपको इक्वेशन लिखना है. क्या इक्वेशन इसका, वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी. ओके, अभी इसको आपको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, NAND gate के इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट करना है NAND गेट में, मीन्स नॉट है, तो आपको इधर क्या लाना चाहिए, निगेशन मीन्स बार लाना चाहिए. तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको डबल बार कर दूंगी, ए डॉट बी डबल बार. डबल बार रहा तो क्या होता है, अगर डबल बार रहा तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं और फाइनल आंसर आपका यही आएगा, ए डॉट बी. ओके, अभी क्या होगा, डबल बार किया तो आप क्या कर सकते हो, जो एक सिंगल बार है
उसको हम लोग जो है लिखना है अभी, ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, दैट इज किसमें हो गया आपके, नैंड गेट में, ये ऑब्वियसली कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। तो इसको ही आपको ड्रॉ करना है। सिर्फ यहाँ पे मैंने निगेशन क्यों लगाया है, बिकॉज आपको क्या चाहिए, दैट इज द नैंड गेट चाहिए, इसलिए, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इधर क्या कर दिया है, डबल इन्वर्जन, ये भी लिखना है, लिख लेना है आपको, डबल इन्वर्जन्स। ओके, अभी इसको आपको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते समय कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आएगा सिंगल बार, उसके बाद में आएगा डबल बार। तो सिंगल बार हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले एंड गेट है, तो एंड गेट का सिंबल निकाल लो। ओके, अभी ये इसके ऊपर क्या है, बबल है, बार है, मीन्स बबल आएगा बाद में, ए और बी, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन है वो किसका है, ए डॉट बी बार का है। ओके, अभी आपको चाहिए क्या, डबल बार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इसको क्या लगाना पड़ेगा, नैंड गेट लगाना पड़ेगा। तो इधर मैं फिर से इसको क्या कर दूंगी, नैंड गेट लगा दूंगी, तो आपका ये इक्वेशन आएगा, ए डॉट बी डबल बार, दैट इज ए डॉट बी। यस, अभी जो थर्ड है वो भी देख लो, थर्ड है आपका और गेट यूजिंग नैंड। अभी इसमें भी सबसे पहले और गेट का इक्वेशन लिखना है, क्या है, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अभी आपको क्या करना है, ये और गेट का इक्वेशन हो गया। अभी फिर से आपको यहाँ पे डॉट लाना है और ऊपर बार लाना है, तो आपको कभी भी बार लाना है तो कभी भी डबल इन्वर्जन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इधर मैं क्या ले लेती हूँ, डबल इन्वर्जन क्यों ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको नॉट मीन्स बार चाहिए ऊपर, ठीक है। अगर डबल इन्वर्जन लिया तो क्या होता है, ये इक्वेशन वैसे की वैसी रहता है, ए प्लस बी ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। इधर लिख लो क्या है, डबल इन्वर्जन, ठीक है। आपको डबल इन्वर्जन का पता होगा, जैसे कि मैं अगर ए बार बार लिखो तो क्या आता है, ए ही आता है ना, उसी की जैसे ए प्लस बी डबल बार लिखा तो यही आएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, जो डीमॉर्गन्स थ्योरम है या फिर डीमॉर्गन्स लॉ है वो लगाना है एक बार को। तो कैसे होगा, अगर ए प्लस बी बार है सिर्फ, तो क्या आता है, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। यही डीमॉर्गन्स लॉ में लगा रही हूं, इधर डीमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, एक बार तो वैसे की वैसी रहेगा, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है वो इसका लिख लूंगी, इधर क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार, ठीक है। आपका इक्वेशन आ गया है, डॉट आ गया है और बार भी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया नैंड गेट का यूजिंग और गेट यूजिंग नैंड गेट। अभी इसको ड्रॉ करना है, अभी ड्रॉ करते समय क्या करेंगे, ए बार है पहले, बी बार है, ठीक है। अभी आपको हरदम नैंड गेट ही, ड्राइंग में भी नैंड गेट ही यूज करना है। तो ए बार आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, नैंड गेट, ठीक है। तो ये आएगा आपका ए, और नैंड गेट को कभी भी दो इनपुट रहते हैं, तो इसलिए मैंने ए लिख लिया और इसको ए बार। ओके, कभी भी नैंड गेट का ही यूज करना है। ये हो गया ए बार, उसके बाद में बी भी ले लेती हूँ, ये हो गया बी बार। ओके, दो आ गए। अभी इसको फिर से हम लोगों को किससे ज्वाइन करना है, डॉट है, मीन्स डॉट है और ऊपर बार है, तो क्या आएगा, दैट इज फिर से नैंड गेट आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, ए बार बी बार और उसका होल बार, मीन्स क्या आता है, दैट इज ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया और गेट,
यूजिंग नैंड गेट, उसके बाद में देखेंगे नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। तो देखो फोर्थ दैट इज नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। इसमें भी आपको सबसे पहले नॉर गेट का इक्वेशन लिखना है, क्या है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार। ओके, अभी आपको फिर से नैंड गेट में क्या रहता है, डॉट रहता है और ऊपर बार रहता है, तो बार जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ आपको क्या चाहिए प्लस की जगह पे डॉट चाहिए। तो हम लोग इसको जो है डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं, ये हो गया आपका नॉर गेट। ओके, अगर इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया तो आपको पता है डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है, ए बार डॉट बी बार, तो इसका कन्वर्जन होगा ए बार डॉट बी बार। ये है आपका डी मॉर्गन्स लॉ और थ्योरम। ओके, ये अभी आ गया, फिर अपना क्या होगा, अभी इधर आपको ऑलरेडी डॉट है और ऊपर बार है क्या, नहीं है, तो आपको बार लाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, डबल इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहां पे लगा दिया मैंने डबल इन्वर्जन, ओके, इसके बाद में इसकी ड्राइंग भी देख लेंगे। ओके, यहाँ पे समझ में आया मैंने डबल बार क्यों लगाया, बिकॉज आपको जो है नैंड गेट में ये पूरे इक्वेशन को बार चाहिए, इसलिए हम लोग कभी भी क्या लगाएंगे, डबल बार लगाएंगे, उसके वजह से ये इक्वेशन भी चेंज नहीं होगा और अपने को बार भी मिल जाएगा, मीन्स नैंड गेट का जो नॉट है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये राइटिंग कैसे होगा, देखो पहले तो ए बार और बी बार डॉट कर लो यूजिंग, ड्रॉ कर लो यूजिंग नैंड गेट। ओके, तो मैं यहाँ पे जो पिछले इसमें लिखा है वो देखो, ए यहाँ पे आ गया ए बार, ठीक है, उसके बाद में बी यहाँ पे आ गया बी बार। ओके, और इसको आपको किससे ज्वाइन करना है, फिर से नैंड गेट से। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है यहाँ तक के, है ना, इधर यहाँ पे देखा है क्या आता है इसका आंसर, ए बार डॉट बी बार बार, ठीक है, यहाँ तक आता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, डबल बार चाहिए फिर से, तो आपको ये और फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इधर नैंड गेट लगाना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार का डबल बार, दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज ए प्लस बी बार। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होती है, तो ये हो गया अपना। उसके बाद में जो है नेक्स्ट वाला देखेंगे, दैट इज फिफ्थ नंबर का एक्सोर गेट यूजिंग नैंड गेट। ओके, अभी ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट जाता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। अभी XOR गेट का इक्वेशन लिखना है आपको, ऑलरेडी हो चुका है A XOR B, इसी को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बार B प्लस A B बार। ठीक है, ये हो गया XOR गेट। अभी आपको क्या करना है, फिर से डॉट लाना है और ऊपर बार लाना है, तो आपको बताया मैंने बार लाने के लिए कभी भी क्या लेना है, डबल इन्वर्जन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डबल इन्वर्जन ले लिया। ओके, डबल इन्वर्जन हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है पुटिंग ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन आएगा अगर हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, तो पुट ले लेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ले लेंगे ए बार बी। ओके, और जेड इज इक्वल्स टू ले लेंगे ए बी बार। ओके, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, दैट इज एक्स प्लस जेड का क्या आएगा, डबल बार।
ठीक है, ये इक्वेशन आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी ये इक्वेशन देखा है हम लोगों ने, कहाँ पे देखा है, और गेट में देखा है, देखो तो एक इसका हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे डी मॉर्गन्स का, क्या है एक्स प्लस जेड बार, कैसे लिखते हैं, दैट इज एक्स बार डॉट जेड बार, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे ये डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, क्या आएगा फिर एक्स बार प्लस डॉट जेड बार, और एक बार तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ओके तो ये अपना इक्वेशन आ गया है। अभी क्या करेंगे, एक्स के जगह पे पुटिंग ले लेंगे अपना, जो भी लिया है हम लोगों ने ए बार बी, और जेड के जगह पे ए बी बार, क्योंकि हमारे पास आ गया है डॉट भी आ गया है और बार भी आ गया है, जो नैंड गेट को लगता है, ऑलरेडी नैंड गेट का इक्वेशन आपको पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग रिप्लेस कर देंगे पुटिंग को, एक्स की जगह पे आएगा ए बार बी, ओके, और उसका बार, उसके बाद में जेड के जगह पे क्या आएगा ए बी बार, और ये ऊपर का बार और ये होल बार, ठीक है। उसके बाद में जो है अपने को ड्राइंग करनी पड़ेगी, अभी ड्राइंग करते समय फिर से आपको क्या है, सिंगल सिंगल ए बार बी बार आपको पहले ड्रॉ कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन ड्रॉ कर रही हूँ, देखो दैट इज ये हो गया आपका ए बार, ओके, उसके बाद में ए बार यहाँ पे फिर से क्या है डॉट है, ठीक है, डॉट है मीन्स फिर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इधर नैंड गेट लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे नैंड गेट लगा दिया, ओके तो ये इक्वेशन आ गया अपना क्या ए बार बी का बार, ओके उसी की तरह मैं ये इक्वेशन ड्रॉ कर लेती हूँ, क्या होगा दैट इज ए सिंगल ही है, उसके बाद में बी ले लेती हूँ, ये हो गया आपका बी बार, ये हो गया ए, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको किससे, दैट इज अगेन क्या है नैंड गेट है, ओके तो ये आ गया अपना ए बी बार, ओके फिर से अपने को ये दोनों अभी किससे ज्वाइन है, डॉट और बार से, मीन्स दैट इज नैंड गेट है अपना, तो फिर से मैं नैंड गेट सिंबल निकाल लेती हूँ, और ये आ गया अपना फाइनल आंसर ए बी बार डॉट ए बी बार और ये होल बार, ठीक है। उसके बाद में जो है लास्ट पॉइंट देखेंगे सिक्स नंबर का, दैट इज एक्स नॉर यूजिंग नैंड गेट, अभी फिर से एक्स नॉर का इक्वेशन लिखना है, सेम जो है इसके जैसी ही है, सिर्फ थोड़ा जो है चेंज है, तो एक्स और एक्स नॉर का इक्वेशन लिखो, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स और बी इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी, ओके फिर से हम लोग पुटिंग ले लेंगे, दैट इज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो क्या बनेगा अपना इक्वेशन, वाई इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई, ओके या फिर जेड ले लो, ऊपर में भी जेड लिया है इसलिए जेड ले लो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म को हम लोगों ने क्या ले लिया है, एक्स लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही आएगा, ओके। अभी आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डॉट चाहिए और ऊपर बार चाहिए, तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, डबल इन्वर्जन, यहाँ पे आएगा डबल इन्वर्जन, ओके डबल इन्वर्जन लगा दिया, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक इन्वर्जन को डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, दैट इज एक्स प्लस जेड बार का आएगा एक्स बार डॉट जेड बार, क्योंकि आपको कभी भी क्या चाहिए, डॉट चाहिए नैंड गेट में, तो ये हो गया आपका डी मॉर्गन्स, ओके डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गया ये। अभी ये कैसे आएगा फिर, एक्स बार डॉट जेड बार का ऊपर का
सेकेंड बार, अभी इसको हम लोग, अभी डॉट भी आ गया और बार भी आ गया, तो इसको रिप्लेस करो जो पुटिंग है। एक्स का क्या था, ए बार बी बार था, ओके सिर्फ एक्स लिया था, उसके ऊपर एक्स का बार है डॉट, जेड क्या है, ए बी, और ये जेड का बार है, और जो होल बार है वो इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यहां तक के हो गया। उसके बाद में हम लोग अभी क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। अभी ड्राइंग करते समय फिर से मैं एक एक ड्रॉ करूंगी, जैसे कि सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूं दैट इज ए बी बार, या फिर ए बार बी बार भी ड्रॉ कर सकते हो, तो मैं ए बार बी बार पहले ड्रॉ कर ले रही हूं, तो कैसे आएगा, ये हो गया आपका ए का ए बार, ओके, और ये हो गया आपका बी का बी बार, ओके। बाद में ये दोनों फिर से किससे ज्वाइन है, दैट इज नैंड गेट से, तो ये आपका इक्वेशन आ गया ए बार डॉट बी बार का बार, ये हो गया। ठीक है, बाद में सेकंड इक्वेशन भी देख लो क्या है, ए डॉट बी है, बार है, तो हम लोग सिंगल सिंगल ए ले सकते हैं, तो यहां से भी ले सकते हो आप, तो ये हो गया आपका ए हो गया, ओके, और ये हो गया आपका बी हो गया, ओके। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, दैट इज ओके, ये दोनों को किससे ज्वाइन करना है, आपको सिर्फ नैंड गेट से ज्वाइन करना है, ओके तो क्या आ जाएगा अपना, आपका ए डॉट बी बार, ओके। बाद में ये दोनों किससे ज्वाइन है, फिर से डॉट और बार से, मीन्स इट इज नैंड गेट, तो फिर से आप लोगों को ये नैंड गेट लगाना पड़ेगा, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए डॉट बी बार बार होल बार, ओके, और इधर आएगा ए डॉट बी बार का होल बार, ओके, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। सो दिस पॉइंट विल बी कवर्ड, थैंक यू।